ये हमारी फोक्सवैगन वेंटो कार है, इसमें ये प्रॉब्लम है। लाइट का स्विच दिया, जब अपर में देंगे ना लाइट बंद हो जाती है, लेकिन पास लाइट मरने से अपर काम करेगा इसे। और अपर का लाइट चल रहा है, लेकिन अभी ये डिपर में है, उसके बाद में अगर अपर में दूंगा तो ये नहीं चलता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये खोलना पड़ेगा, ये स्विच हमको खोल के रिपेयर करना है। ये पूरा सेट आता है, असेंबली आता है, ये इसको खोलना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे इसको पकड़ के पुल करना है इसको, ये नट खोल के लेना है हम लोग को। इसका साइज है T55, ये T55 बीच से खुलेगा। ये खोलने के पहले हम लोग को ये ट्रिम प्लास्टिक का, और ये नीचे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू खोल के लेना है। तो खोलते हैं इसको, तो ये नीचे वाला स्क्रू खोलने के लिए हम लोग को ये टूल लगेगा, टपरिया का BDST, ये सॉकेट का नंबर है T20 टपरिया का, और इसके साथ और 10 और नोट आते हैं अलग अलग साइज का। तो ये हम खोल के लेते हैं इसको नीचे से, स्क्रू है। ये प्लास्टिक ट्रिम निकल के लेना हम लोग को, ये नीचे खींचने से आ जाता है। किसने से आ जाएगा ये, बट ये पुल करेंगे ना ऊपर आ जाएगा ये। तो ये इसके साथ आता है, एक जॉइंट है, ये निकाल के लेता हूँ इसको। तो ये ट्रिम आ गया, उसके बाद यहाँ पे दो बोल देंगे, ये रहा एक एक, ये दो है, तो ये नीचे वो बॉटम वाला पार्ट निकल जाएगा, उसके बाद हम स्टीयरिंग खोलेंगे। तो ये दो स्क्रू मैंने रिमूव कर लिया, अब ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा बाहर आराम से। तो ये खोलने के पहले फॉर सेफ्टी साइड इसमें एक मार्किंग करने का, इसको कहीं भी करो। ताकि जब वापस आप स्टीयरिंग लगाओ तो ये स्ट्रेट ही रहे। जहाँ तक मेरा जानकारी, अंदर एक मार्किंग है ये डॉट के नीचे, और एक होगा कुछ लगाने के लिए, लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड। तो अभी इसको खोलता हूँ मैं, लूज करके लिया। हाँ फ्रेंड्स, देखिए इधर एक डॉट है, उधर भी एक डॉट है, तो इसमें मार्किंग नहीं करने से भी होता था, लेकिन कर लिया। अब ये स्टीयरिंग पुल करने से बाहर आ जाएगा। स्टीयरिंग आ गया, अब ये बॉटम प्लेट खुल जाएगा आराम से। आ गया,
ये मॉड्यूल को खोलना है हम लोग को। तो ये यूनिट को निकालने के लिए भी इधर एक स्क्रू लगा और एक नट लगा हुआ है। इसके लिए थोड़ा छोटा वाला बड़ा वाला लगेगा। तो ये निकाल के लेता हूँ मैं, सिंपल चीज़ है। इसके बाद ये बुलेट करने से आ जाएगा। ये T25 नंबर का नट है, लूज कर लिया तो ये आ रहा है बाहर। आ गया हम लोग का असेंबली, इसी में फॉल्ट है। और इसको खोलने के लिए वायरिंग हार्नेस को इसको ऐसे पुल करना है। पुल कर लिया तो ये आ जाएगा। देखिए आ गया आराम से। अभी इसको डिसअसेंबल करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब स्क्रू खोल के लेना है संभाल के। ये स्प्रिंग वगैरह कुछ कुछ है तो अच्छा से खोलना है। इसका नंबर है आपका S2T8। इसको खोल के लेना है तो खोल के लेता हूँ मैं। उसके बाद दिखा रहा हूँ अंदर क्या होता है। एक ग्रीस है इसमें ग्रीसिंग करने के लिए। हाँ तो इसको आराम से खींचते हो तो ये आ जाता है बाहर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग का लाइट का स्विच है ये। तो ये सब पॉइंट्स में देखो फ्रेंड्स, कार्बन बहुत जमा हो गया। ये सब इसको साफ करके लेना है, लेकिन सैंड पेपर वगैरह नहीं घिसना है क्योंकि ख़राब हो जाएगा टर्मिनल सब। इसको आराम से निकल के देखते हैं क्या इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना कार्बन डिपॉजिट हो गया है। तो ये पेट्रोल वगैरह से साफ करके लेना पड़ेगा मेरे को। ये पॉइंट्स भी 30 हो गए तो साफ करते हैं। मेरे पास ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो मैं इससे इसको साफ कर लेता हूँ। तो इसको ये टर्मिनल सब को स्प्रे करना है दूसरा कुछ। ये अल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जितना भी डालो सूख जाएगा। वाइप करके लेना है इसको। ये फ्रेंड्स क्लीन हो गया पूरा, तो हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं। लेकिन संभल के, इसमें छोटा छोटा स्प्रिंग है जो निकल जाने से बहुत तकलीफ करेगा। इसको हमने धीरे से उठा के ये भी साफ कर लिया। ये भी साफ ही था, फिर भी थोड़ा और साफ कर लिया। थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे इसमें, थोड़ा सा एकदम लाइट। थोड़ा सा ग्रीस कर ले लगाना इसमें। बस हो गया। तो हमने ये सब पॉइंट्स क्लीन करने के बाद इंस्टॉल कर लिया है। स्क्रूस लगाना है, उसके बाद देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो अभी कुछ नहीं, सिंपली जो प्लग हमने निकाला था उसको वापस डालना है इसमें, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं। तो ये डाला चाबी इग्निशन पे, ये जलाया लाइट, इसमें अभी भी काम कर रहे लेकिन नहीं। फिर से देखना पड़ेगा इसको।
जो उस टाइम पे काम नहीं हुआ था, तो क्योंकि इसमें स्पिन के अंदर भी गंदगी था। ये लो भी हाई बीम का स्विच है, लेकिन ये मूवमेंट करेगा। लो बीम हाई बीम अभी प्रॉपर हो गया, मैंने टेस्ट किया है अभी इसको। इसमें थोड़ा WD-40 स्प्रे करेंगे और ये हो जाएगा। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट लो बीम पे आ गया, हाई बीम आ गया। तो फाइनली 2-3 अटेम्प्ट के बाद हो गया। तो जैसे खोला था वैसे ही लगा के टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया, और हेडलाइट, हेडलाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, पास तो काम हो गया। सब फिटिंग कर लेता हूँ और दूसरा कुछ है नहीं करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।